हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने बंद पड़े लखवाड़ परियोजना को फिर से चालू करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस परियोजना को वर्ष 1976 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन इस परियोजना को वर्ष 1992 में रोक दिया गया था और अब जाकर यानी 46 सालों के बाद इस परियोजना को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत देहरादून जिले के लोहारी गाँव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊँचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। वहीं इस बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी। इस बांध के निर्माण से 33,780 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। वहीं इस बांध में यानी यमुना बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में घरेलू एवं औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के बाद इस बांध से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यदि लागत की बात की जाए तो इस परियोजना को 5,700 करोड़ रुपए की राशि के साथ पूरा किया जाएगा, जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार और 10% राशि 6 राज्यों यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली द्वारा दिया जाना है। वहीं इस परियोजना का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।